राजस्थान के जोधपुर में घर के बाहर खड़ी कार को चोरी हो गई है और इस दौरान जब तफ्तीश की गई तो चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में एक कार तेज रफ्तार से जाती हुई नजर आई, इसके बाद थोड़ी ही दूरी पर लगे दूसरे कैमरे से भी वो कार सीसीटीवी में जाती हुई नजर आई जो चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश को शुरू कर दिया। बताया गया कि जोधपुर की विश्वकर्मा कॉलोनी में रात के वक्त उस वारदात को अंजाम दिया गया। उस वक्त कुछ लोग आए और घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर हाथ साफ कर लिया। जब सुबह हुई तो कार मालिक के होश उड़ गए क्योंकि उनकी कार वहां मौजूद नहीं थी। अब पुलिस को कार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों की तलाश है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने एक बार फिर जंग का अभ्यास किया। आशंका ये जताई जा रही है कि किम अपने दुश्मन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाल ही में उन्होंने दो ऐसी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया जिनमें परमाणु हथियार भी लोड किए जा सकते हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन मिसाइल परीक्षणों के बाद से ही ये माना जाने लगा कि किम न्यूक्लियर हमले की तैयारी में, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें तो वो इस महीने में कई बार दाग चुके हैं। मतलब ये कि किम लगातार आक्रामक मूड में है। पिछले दिनों तो उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों की भी ताकत दिखाई थी। उस दौरान पश्चिमी मीडिया ने ये दावा किया था कि किम के 10 फाइटर जेट दक्षिण कोरिया की सीमा के पास तक पहुंच गए थे। इसी वजह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बार फिर युद्ध का अभ्यास किया।